देखो, अगर हम लोगों को 2×2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने बोला जाए, तो इन्वर्स निकालने के लिए ना बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको याद रखना। क्या फॉर्मूला है? ए इन्वर्स, हम लोग उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए। अब हम लोग मॉड ए निकालना सीखे हैं 2×2 का। मॉड ए कैसे निकालते हैं? मॉड ए इक्वल्स टू, पहले इधर के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 3 = 15 माइनस 8 × 7 = 56। माइनस करने से कितना आएगा चेक कर लेते हैं, 56 माइनस 15 1/4, तो आंसर क्या आएगा, -41। तो मेरा मॉड ए निकल गया। एडजॉइंट ए निकालने अभी जस्ट सीखे थे, क्या है एडजॉइंट ए में इधर का डायगनल एलिमेंट्स को हम पहले रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब अगर यहाँ पर 5 3 है तो ये 3 5 बन जाएगा और यहाँ का डायगनल एलिमेंट्स में बस माइनस साइन लग जाएगा। तब बस ये वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/mod a क्या है, मॉड ए हम निकाले -41, एडजॉइंट ए क्या निकला मेरा, ये वैल्यू निकला 3 - 8 - 7 - 5, यही मेरा आंसर है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 3 / -41, 8 / -41, -7 - -41 कट जाएगा तो बचेगा, -- कट जाएगा तो बचेगा 7/41 और ये बचेगा 5 / -41। बस दिस इज द आंसर। हाँ तो अब देखो, अगर इसी मैट्रिक्स, ये 3×3 मैट्रिक्स का, अगर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने बोल दिया जाए तो फॉर्मूला मेरा क्या था, ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए। तो हम लोगों को एडजॉइंट ए निकालना पड़ता है, जो हम अभी निकाले जस्ट अभी जैसे करके निकाले थे वैसे ही एडजॉइंट ए निकालेंगे सभी क्वेश्चन के लिए। एडजॉइंट ए मेरा आंसर यहाँ तक निकला हुआ है। मॉड ए निकालेंगे बस इस वैल्यू पे पुट कर देंगे। लास्ट वीडियो में ये चीज हम लोग दिखा चुके हैं, अब इस वीडियो में देखो हम लोग उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। हाँ तो लास्ट वीडियो में हम लोग ये वाला क्वेश्चन लिए थे और जब इस क्वेश्चन का एडजॉइंट ए निकाले थे तो उसका आंसर कुछ ऐसा निकला था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो जाके देख ले और फिर बस इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो हम निकाल रहे हैं। एडजॉइंट ए निकाल चुके थे, फिर मॉड ए निकालना है जैसे पहले पढ़े थे वैसे ही निकाल चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन से लास्ट वीडियो में जैसे निकालना सिखाए थे बस उसी मेथड को फॉलो करके हम मॉड ए निकाल लिए हैं और बस यहाँ पर पुट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इक्वल साइन देंगे 1/mod a क्या निकला, -44 लिखेंगे। एडजॉइंट ए क्या निकला, ये वैल्यू निकला, बस यहाँ पर लिख देंगे 6 0 - 2 - 4 10 - 20 1 - 8 13, ये मेरा निकल गया ए इनवर्स फॉर 3×3 मैट्रिक्स। अच्छा, जिस लोगों ने ए मॉड निकालना भूल गया तो वो अभी देख लो कैसे निकालते हैं। अगर ए मॉड निकालना है सबसे पहले क्या करना है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इस फर्स्ट एलिमेंट का जो सीधा और सीधे में जो एलिमेंट होता है ना उसको बस हाइड करना है। इसका सीधा में ये आ रहा है, इसका सीधा में ये आ रहा है, तो हम उसको और इसको हाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 5 6 8 6 बचेगा। ये मेरा उसका माइनर निकला। माइनर निकालना समझाए थे, पहले क्या करना है उसका वैल्यू कैसे निकालना है, पहले इधर के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है फिर इधर के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको हाइड किए थे तो इसको जब मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 5 6 30, हम 30 लिखे, माइनस साइन हमेशा पुट होता है तो माइनस साइन पुट किए, फिर इधर का डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 8 6 = 48, 6 8 = 48, तो वही हम लिखे 30 - 48। यहाँ पर पहले वाला में प्लस साइन होता है, दूसरे वाले में माइनस साइन होता है, फिर तीसरे वाले में प्लस साइन पुट होता है, ठीक है याद रखना। तो यहाँ पर -2 होगा इसलिए हम यहाँ पर -2 लिखे। इसका सीधा में क्या जाएगा, ये जाएगा इसलिए हम इसको हाइड किए, और इसका सीधा में ये जाएगा तो हम इसको भी हाइड किए, तो बचा क्या, 1 6 2 6 बचा। जब 1 6 2 6 उसका माइनर निकला, माइनर का वैल्यू कैसे निकालते, पहले इधर के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन पुट करते हैं, फिर इधर का एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या है, 1 6 = 6, हम 6 लिखे, माइनस साइन पुट करना होता है माइनस साइन हम पुट किए, और 2 6 = 12 होता है, या 6 2 = 12, तो हम 12 लिखे, ठीक है यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर हम लिखेंगे +1, प्लस साइन लगेगा इसमें, इसलिए हम लिखे +1। +1 का देखो सीधा में क्या, ये जाएगा और सीधा में यहाँ पर ये जाएगा, तो इसको और इसको हाइड किए तो बचा क्या, 1 × 8 = 8 होगा, और माइनस साइन पुट करके 5 2 = 10, तो हम 10 लिखे, ये इसका माइनर निकला था, ठीक है, उसका वैल्यू हम वैसे ही निकाले, ठीक है। फिर आगे बस हम सॉल्व किए, 3 × 30 - 48 करेंगे तो क्या आएगा, -18, -2 लिखे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -6, +1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2,
ब्रदर्स को सॉल्व करने पे क्या निकल रहा, -44 +12 -2। फिर जब उस पूरे को सॉल्व किए तो मेरा आंसर -44 निकला, तो जब हम यहाँ पर पुट कर दिए।